हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही अब डाउट नट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए, डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, फाइंड रेशियो। अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो पहले दोनों को आपको सेम यूनिट में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लो मैं ले रहा हूं पहले का ए ले रहा हूं, तो आपको क्या करना है, पहले यहां पर कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट बोथ नंबर्स, जो भी आपके दोनों नंबर्स है ना उनको आपको सेम यूनिट में क्या करना है, अभी कन्वर्ट करना, सेम यूनिट में चेंज करना है। जैसे एक आपके दे रखा है 5 रुपीज और एक दे रखा है 50 पैसा, या तो दोनों को पैसा बना दो या दोनों को रुपीज बना दो। तो पैसा बनाओ, ज्यादा इजी रहेगा, आंसर पॉइंटों में भी आपके नहीं आएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 रुपीज इज इक्वल टू होता है आपके 100 पैसा होता है, 1 रुपीज में 100 पैसा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा भी आपके 5 रुपीज इक्वल हो जाएगा 5 × 100 पैसा। इसका मतलब हो गया है 5 रुपये, 5 रुपीज इजिकल टू हो गया है 500 पैसा। अब ये वाला भी आपके पैसे में, ये वाला भी आपके पैसे में, दोनों पैसे में आ गए। अब दोनों का रेशो फाइंड करेंगे। अब रेशो फाइंड करना है यहां पर आपको रुपीज 5 में एंड 50 पैसा में। 5 रुपीज का मतलब ने निकाल दिया है 500 पैसा और इधर आपके 50 पैसा। अब देखो भाई, दोनों ही पैसे पैसे सेम, पहले पैसों को हटाओ, ये हो गया आपके 500 एंड 50। अब एक एक जीरो हटा दो, 50 और 5, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, यहां पर जा रहा है 10 टाइम, यहां पर जा रहा है 1 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आपके दे रखा है 15 kg और दे रखा है 210 ग्राम। तो पहले क्या करना है, दोनों को आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, आपको इधर ग्राम है इधर किलोग्राम है। तो आपके नियम आपको मालूम होना चाहिए कि 1 kg के अंदर होता है आपके 1000 ग्राम होता है, ये नियम है। इसके हिसाब से आपका 15 kg इजिकल टू हो जाएगा 15 × 1000, तो ये हो जाएगा आपके 1500 ग्राम, ये आएगा आपके इस नियम के हिसाब से। अब चलते हैं भाई यहाँ पर, इसको भी ग्राम में चेंज कर दिया, ये हो गया है 15000 ग्राम और ये हो गया है 210 ग्राम, दोनों ग्राम हो गए, अभी दोनों ग्राम में चेंज हो गए। अब क्या करना है, 0 0 काट दो पहले, तो काट देंगे हम 0 0, क्या आएगा, ग्राम भी हटा दो 0 भी हटा दो, तो ये आएगा आपके 1500 और इधर आएगा भी आपके 21, ग्राम भी हटा दिया और 0 भी हटा दिया, दोनों के अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है। अब 3 का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है 7 टाइम, 3 का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है 3 5 50 0 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट है भाई आपके 9 मीटर और 27 सेंटीमीटर के अंदर निकालना है। तो पहले दोनों को सेम यूनिट में चेंज करो। तो यहाँ पर हम बताते हैं, हमें मालूम है कि 1 मीटर के अंदर होता है 100 सेंटीमीटर, ये नियम है। सो 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर, सो 9 मीटर इजिकल टू आएगा 9 × 100 इजिकल टू आएगा 900 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, 9 मीटर का मतलब होता है 900 सेंटीमीटर, और इधर है आपके 27 सेंटीमीटर। अब पहले सेंटीमीटर हटाएंगे तो ये आ गया आपके 900 और ये आया है आपके 27। दोनों में 9 का डिवाइड जा रहा है। अब 9 का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है आपके 3 टाइम, और दोनों में 9 का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है आपके 100 टाइम। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100:3। नेक्स्ट है भाई आपके 30 डेज, एंड आपको रेशियो फाइंड करना है 36 आवर्स में। ये बड़ा होता है, डेज डेज को चेंज करना पड़ेगा आपको। तो नियम मालूम होना चाहिए भी आपको कि एक ही दिन में कितने आवर होते हैं। 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। इसका मतलब है अगर एक दिन में 24 आवर होते हैं तो 30 डेज में कितने होंगे भाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 30 × 24, 24 × 3 = 72 आवर्स। तो पहले आपको दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना है, उसके बाद 30 डेज में होते हैं 720 आवर्स, और इधर है 36 आवर्स। पहले आवर्स हटा दो, ये आएगा आपके 720, ये आएगा आपके 36। अब दोनों ही 36 के कैंसिल हो रहे हैं। 36 का डिवाइड यहाँ पर भी जा रहा है एक बार, और यहाँ पर जा रहा है 2 टाइम, ये इसका डबल है, और साथ में 0 भी है तो 20 भी आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है 8.1 का। इन कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर की लैब है वहाँ पर, देयर आर 3 कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने हैं, 3 है। स्टूडेंट कितने हैं, 6 है। देखो जितने स्टूडेंट हैं उसका हाफ कंप्यूटर है। हाउ मैनी कंप्यूटर विल बी नीडेड 24, तो 24 के लिए क्या होगा, हाफ 12। आंसर तो हो गया 12, लेकिन कैसे लिखना है आपको ध्यान रखना भाई। अब देखो कंप्यूटर 3 है, स्टूडेंट 6 है। अगर स्टूडेंट 24 है तो कंप्यूटर कितने हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया, कंप्यूटर के बारे में पूछा गया। कंप्यूटर को हमें इधर की ओर लिखना है, और स्टूडेंट जो 2 बार दे रखे हैं उनको हम इधर की ओर लिखना है लाइन बनाते समय, लाइन लिखते समय। तो मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ कंप्यूटर, नंबर ऑफ कंप्यूटर नीडेड फॉर कितने स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट। 6 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, 3 कंप्यूटर चाहिए। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर नीडेड फॉर 1 स्टूडेंट, एक के लिए कितना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/6, मतलब हाफ कंप्यूटर चाहिए। अब यहाँ हमें बताना है नंबर ऑफ कंप्यूटर नीडेड कितने स्टूडेंट है, 24 स्टूडेंट है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3/6 × 24। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है आपके 72/6, डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आएगा भी आपके 12 कंप्यूटर्स। हमें 12 कंप्यूटर चाहिए, 12 कंप्यूटर चाहिए, सभी बच्चे बैठ सकते हैं कंप्यूटर पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 लाख, पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1660 लाख। तो दोनों की पॉपुलेशन दे रखी है, एरिया दे रखा है, राजस्थान का एरिया 3 लाख किलोमीटर और यूपी का एरिया है 2 लाख किलोमीटर। दोनों का अलग अलग एरिया भी दे रखा है। हमें पूछा गया है हाउ मैनी पीपल आर पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, पहले हमें ये फाइंड करना है। अगर आपको फाइंड करना है पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब जो पीपल रह रहे हैं ना, जो भी पीपल है
वो पर किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे हैं ना, उसके लिए कैसे फाइंड करते हैं उसकी पॉपुलेशन कितनी है और उसका एरिया कितना है, दोनों का आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन के अंदर एरिया का अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर मिल जाएगा आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी दोनों के लिए, पॉपुलेशन और एरिया लेते हैं पहले। तो सबसे पहले है भाई आपके, इधर मैं ले रहा हूँ राजस्थान के लिए, और इधर ले रहा हूं मैं इन यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। अब देखो इसकी पॉपुलेशन अगर हम देखें, पॉपुलेशन वो कितनी है भाई, 570 लाख। और इसका जो एरिया है वो दे रखा है 3 लाख किलोमीटर। अब अगर मैं इसका निकालू ये वाला पीपल पर किलोमीटर, अगर मैं रेशियो अगर दोनों का निकालूं तो क्या हो जाएगा अभी आपके, 570/3। अब डिवाइड कर दो, 570/3 करेंगे तो कितना आएगा अभी आपके, ये पहले जाएगा 1 टाइम, पीछे 2 बच जाएगा, फिर 9 टाइम, फिर 0 टाइम। 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, पर किलोमीटर स्क्वायर मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 190 लोग रह रहे हैं, कहाँ पर, राजस्थान में। अब आते हैं हम यूपी की तरफ, तो यूपी की पॉपुलेशन कितनी है वो दोनों लेनी है आपको। एक तो उसकी पॉपुलेशन कितनी है, तो ये हमारे पास दे रखी है 1666 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं लाख। और उसका एरिया कितना है अभी आपके, इधर दे रखा 2 लाख किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब अगर आपको रेशियो फाइंड करना है या 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है पॉपुलेशन अपॉन एरिया, 1660/2। तो डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, तो ये आएगा भी आपके, पहले जाएगा 8 टाइम, फिर जाएगा आपके 3 टाइम, 1660 है ना, तो पहले फिर जाएगा अभी इसमें 8 गया, इसमें 3 टाइम, फिर 0 टाइम। 830 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। तो पहला पॉइंट तो हमने फाइंड कर लिया, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेशन, मतलब किसमें कम पॉपुलेशन ऐसे रह रही है हमें बतानी है। तो सब सिंपल देखो ना भाई, ये 190, ये 230, 830 है, इधर कम है, तो आप लिख सकते हो राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड, ये आ जाएगा हमारा